खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मुकेश जी हमारे साथ, और पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव कहलगांव से लड़ा और रिकॉर्ड वोट जीत भले नहीं हो पाई, लेकिन रिकॉर्ड वोट 75,000 के आसपास लेकर आए। यूं कहें चेहरे नए नहीं हैं, नए नहीं थे, तब पर भी मार्केट में या विधानसभा में इतना वोट लाना मामूली बात नहीं था। आए अच्छे तरह से, क्षेत्र में घूम घूम कर जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके संगठन को खड़ा किया, और पुनः कांग्रेस छोड़कर जब जदयू में गए, जदयू में भी वही सिलसिला लगातार जारी है। कार्यकर्ता जोड़ते जा रहे हैं, संगठन भी ने इतने कम समय में कार्यकर्ता से प्रदेश महासचिव तक की जिम्मेदारी एवं जिला प्रभारी की भी जिम्मेदारी दे चुके हैं और तन मन धन से संगठन के प्रति समर्पित हो गए। तो जानते हैं संगठन के प्रति क्या भाव, क्या इच्छा रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए इतना कुछ किया है कि हम लोग को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा प्रदेश को बदल दिया, लोग बिहार के बारे में कल्पना नहीं करती है, नल जल की व्यवस्था, तो एक नया चरण है दौर का। और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पार्टी से जुड़ने के लिए लोग उत्साहित हैं बहुत तादाद में। मुझे भी एक लक्ष्य दिया गया है इस विधानसभा के लिए, और क्योंकि मैं पिछले साल पार्टी में जुड़ा था और वहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लगभग 8,000 हमारे क्षेत्र के लोग जा सके थे, तो वो तो स्वतः सदस्य हो गए, लेकिन बाकी जो रह गए थे तो उनको जोड़ने का काम था। और इसी सिलसिले में अभी मैं लगा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की इच्छा रखता हूँ। सर, जिला के भी प्रभारी हैं, खगड़िया के, बांका के, हर जगह जाते हैं, कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर एक राज्य स्तरीय पार्टी में गए। देखिए, संवेदना जो मुख्यमंत्री जी की है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, वो अद्भुत है। आपको उदाहरण के तौर पर जैसे शराबबंदी, महिलाओं को उनके प्रति इतना स्नेह जगा दिया है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनकी जो साइकिल योजना हो, उनकी अभी जो बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए 10वीं में जो उन्होंने राशि दे दी, 12वीं में राशि दे दी, और अभी 4,00,000 रुपए देते हैं स्पेशल कोर्सेज के लिए। पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर लड़का विदेश चला जाए उसको भी पैसा दे रहे। अब बताइए, पढ़ने और पाठन में बिहार आगे रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS प्रोड्यूस करते हैं, तो उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस कीर्तिमान को कायम रखने के लिए जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं, न भूतो न भविष्यति, न भूत में किसी ने किया है, न भविष्य में कोई कर सकेगा। 17 साल में इन्होंने बिहार को बदला, और मुझे लगता है कि इसी स्नेह से जब मैं खगड़िया जाता हूँ या बांका जाता हूँ, आप खाली बता दें कि मैं जदयू की तरफ से आया हूँ सदस्य बनने के लिए। 25 का एक वॉल्यूम होता है, एक पूरी रसीद होती है, स्लिप मिलती है। अब मैक्सिमम 5 घर जाते जाते हम लोग पूरा स्लिप भर जाते, तो ये उनका स्नेह दिखता है। क्या सर आगे का योजना है? बस लक्ष्य हम लोग के सामने है, अब 2024 का इंतजार है। पहला बार हिंदुस्तान कीर्तिमान लिखेगा और हमारे बिहार को ये गौरव प्राप्त होगा कि 75 साल में हम बिहार के प्रधानमंत्री को बनाने जा रहे हैं, और ये बिहार वासियों के लिए गर्व का मौका रहेगा, इतिहास लिखने का मौका रहेगा कि हम 75 साल में जो बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ये गौरव होगा। ये हम लोग के लिए जो 17 साल में बिहार के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिहार कहाँ जाएगा। क्या लगता है नीतीश जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, जदयू के कार्यकर्ता सिर्फ सोच रहे। 17 साल बतौर मुख्यमंत्री, 10 साल बतौर केंद्रीय मंत्री, इतना बड़ा अनुभव अगर आज के दिन किसी भी नेता इनके समकक्ष आ जाए तो पता है, वो नहीं है। लेकिन सर, दिक्कत क्या है कि महागठबंधन में जो नेता है,
सबको प्रधानमंत्री बनना है, ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनना है, उधर चंद्रशेखर राव जी एक राष्ट्र ने पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं हमें पीएम बनना है, क्या शरद पवार जी लगे हुए, क्या राह आसान होगी? मैं समझता हूँ कि बिहार ने देश को दिशा दी है और जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है पूरे देश की राजनीति बदल गई है और इस बार भी देश की राजनीति बनेगी बदलेगी और मैं आश्वस्त हूँ वो प्रधानमंत्री बनेंगे और जो गौरव बिहार को मिला था बतौर पहले राष्ट्रपति का पहले प्रधानमंत्री का भी ये कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी इसी बार हम लोग को मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है आपने बिहार की बात की राष्ट्र की बात, अब बात करते हैं कहलगांव विधानसभा, क्या लगता है कहलगांव विधानसभा में विकास किस ओर बढ़ रहा है क्योंकि जो वर्तमान विधायक है वो कह रहे आजादी के बाद जितना फंड कहलगांव नहीं आया उतना फंड हम लेकर आए, पता नहीं अगर विकास उन्होंने किया है तो वो जनता उसको देख रही है और जनता से बड़ा कोई इस मामले में मूल्यांकन करने वाला नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ जनता निर्णय लेगी और एक बार 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 आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000 के पहले पूरे बिहार में MLA फंड नहीं हुआ करता था, जो भी डेवलपमेंट होती थी वो MLA की काबिलियत पर होती थी, उनके व्यक्तित्व पर होता था, तो उसके बाद पहली बार 2000 में 50 लाख MLA को MLA फंड मिलना शुरू हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है और उसके पहले भी डेवलपमेंट हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि अगर फंड ला रहे हैं तो विकास दिखेगा, जमीन पर दिखेगा, सब जगह दिखेगा, इसमें क्या है? और तो मूल्यांकन करने के लिए हमारी कहलगांव की देवमय जनता है, वो निर्णय लेगी। आपका अगला पड़ाव कहाँ, कहलगांव या भागलपुर? नहीं नहीं मैं तो लोकसभा या विधानसभा, मैं तो देखिए मेरा इसमें निर्णय नहीं हो सकता, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, अदना सा सिपाही हूँ, जो कह दे पार्टी, जो कह दे कि जो करना है वो पार्टी निर्णय करेगी, मैं सच्चे सिपाही के तौर पर काम करता रहूँगा और कोई मेरा उद्देश्य और लक्ष्य नहीं, मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि ऐसे। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहा था, जल्दी दबाओ।